leads to question number 11th of exercise 18A, that is mean, median and mode of ungrouped data. Question number 11th is the mean of 12 number is 40. Friends, हमें 12 number का mean दे रखा है 40. तो हम यहाँ लिख लेते हैं mean of 12 number is equals to 40, right? आगे क्या दे रखा है? If each number is divided by 8, वो कह रहा है हर एक नंबर को अगर 8 से डिवाइड किया जाए, what will be the mean of a new number? तो हमारा न्यू नंबर क्या होगा? ये बताना है. तो right friends, तो कैसे करेंगे? देखिए, हमें सिर्फ ये दे रखा है कि 12 नंबर का mean 40 है. तो हमें mean क्या निकालना है? Mean का formula क्या होता था? Mean का formula होता था sum of all observation divided by number of observations, right? अब mean हमें दे रखा है 40, right? और हमें ये पता है कितनी observation का है, 12. तो number दे रखी है 12. ये हमें पता नहीं है, तो इसको हमने x रख लिया. फ्रेंड्स, ये क्यों चाहिए? इसी में क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि ऐड करके सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बनता है. उसमें हर एक नंबर को हमें 8 से डिवाइड करना है, वो ये कह रहा है. तो आप देखिए कैसे करेंगे. ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का हो जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो दैट मींस 480 आ गई, राइट? अब इसमें आप देखिए, मैं लास्ट क्वेश्चन जैसा ही एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैं एक्स एक्स टू एक्स थ्री एक्स, राइट, इन सबको ऐड करूं तो क्या बनता है? 5 6 7, ये 2 है फ्रेंड्स, 7x, राइट फ्रेंड्स. अब इसको एक साथ ऐड करने के बाद डिवाइड करूं तो क्या आता है? 7x + 8. और हर एक को अलग अलग डिवाइड करूं, ये देखिए हर एक को अलग अलग डिवाइड किया तो क्या आएगा? 8 LCM आ गया, x + x + 2x + 3x, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के एज इट इज ऐड हो गए. तो ये कितना आ गया? 6 7x / 8. देखिए, चाहे टोटल को डिवाइड करूं या अलग अलग डिवाइड करूं, आंसर विल बी सेम. तो हमें यहाँ टोटल पता है, अलग अलग नंबर्स नहीं पता है. तो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया? न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें 8 से डिवाइड करना था, तो देखिए 480 को 8 से डिवाइड किया. अब ये कैंसिल हो सकता है, 8 1 8 8 6 48 and 0 60 आ गया. तो न्यू मीन कितना आ जाएगा? न्यू मीन equals to, हमें पता है sum of all observations divided by number of observation होता है, right? तो देखिए sum of observation कितना है? 60. और हमें पता है total कितनी है observations? 12. डिवाइड किया, 12 1 12 12 5 60, तो न्यू मीन कितना आ गया? 5 इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.